Hello friends, welcome to Education Revolution, a complete study center. Here you will get all the information related to competitive exams. So my dear friends, don't forget to subscribe, like and share our channel. Education Revolution, a complete study center, study center, study center. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एजुकेशन रिवॉल्यूशन अ कंप्लीट स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के शासक के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। तो इससे पहले मैंने भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पर 4 वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के शासक। तो मैं आपको मुगल काल में यहां पर ले जाना चाहूंगा। मुगल काल में जो है बंगाल काफी संपन्न राज्य हुआ करता था। तो जो बंगाल था उस समय जो है मुगल काल में काफी संपन्न हुआ करता था, और उस समय का जो मुगल काल का बंगाल था उसमें जो है आज के बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार शामिल थे। आप खुद ही सोच सकते हैं कितना बड़ा प्रांत रहता होगा उस समय बंगाल। 1707 में अहमदनगर में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हो जाती है जिसे उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। यह काल मुगल साम्राज्य के पतन एवं विघटन का काल था। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही भारत के विभिन्न भागों में देशी और विदेशी शक्तियों ने अनेक छोटे बड़े राज्य स्थापित किए। उत्तर पश्चिम की ओर से विदेशी आक्रमण होने लगे तथा विदेशी व्यापारिक कंपनियों ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। परंतु इतनी कठिनाइयों के बाद भी मुगल साम्राज्य का पतन की गति जो है बहुत धीमी थी, क्योंकि उनका दबदबा बहुत ज्यादा था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे, जिसमें मुअज्जम काबुल, आजम गुजरात और कामबख्श जो है बीजापुर का सूबेदार था। तो 1707 में जाजो एक जगह है, वहां पर जून 1707 में लड़े गए युद्ध में मुअज्जम जो है आजम की सेना को परास्त करता है और मुगल सिंहासन पर अपना अधिकार प्रशस्त करता है। और 1707 में जो है मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ जो है दिल्ली के तख्त पर बैठता है। तो चलिए जानते हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में। बहादुर शाह प्रथम जो कि 1707 से 1712 तक जो है शासक रहा, इसके बारे में पॉइंट जानते हैं। बहादुर शाह प्रथम जो है 65 वर्ष की आयु में दिल्ली के तख्त पर बैठा था। इसे शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, शाह आलम प्रथम कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को। इसके बाद के जो शासक थे वो काफी निकम्मे निठल्ले थे, मतलब विलासी थे। जो इंपॉर्टेंट होंगे आपको बता दिया जाएगा। अब फिलहाल हम इसके बारे में बात करें तो 1712 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु पर जो है सर सिडनी ओवन ने कुछ कहा था। क्या कहा था? कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसकी बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो ये सर सिडनी ओवन ने कहा था प्रथम शाह के बारे में। नेक्स्ट है बंगाल के शासक के बारे में हम बात करेंगे। मुर्शिद कुली खान जो कि 1717 से 1727 तक शासक रहा। 1701 में औरंगजेब ने ही मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बनाया था। तो ये आपको याद रखना, 1701 में मुर्शिद कुली खान को औरंगजेब ने ही बनाया था सूबेदार बंगाल का। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शिद कुली खान ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो मुर्शिद कुली खान जो है अपने को स्वतंत्र शासक जो है घोषित करता है। और मुर्शिद कुली खान बंगाल का पहला शासक था जिसके नेतृत्व में बंगाल पूर्ण स्वतंत्र राज्य बन गया था, मतलब मुगलों की कैद से जो है पूरी तरह से आजाद हो गया था। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पर ये पॉइंट है। ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खान जो है राजधानी को ले गया था। इसके बाद जो है मुर्शिद कुली खान के बाद जो उत्तराधिकारी थे जैसे सुजाउद्दीन जो कि 1727 से 39 तक रहा, सरफराज खान 1739 से 40 तक रहा, और अलीवर्दी खान जो कि 1740 से 56 तक रहा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है अलीवर्दी खान के बारे में हम पॉइंट जानेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। अलीवर्दी खान जो है 1740 से 1756 तक जो है ये शासक रहा बंगाल का। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसके शासनकाल के समय बंगाल काफी संपन्न हो गया था, जिसका फायदा उठाकर यूरोपीय कंपनियों ने जगह जगह अपनी व्यापारिक कोठियां या बस्तियां स्थापित की, जिसमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। हुगली जो है बंदरगाह था, क्योंकि जहाज जो है समुद्र से हुगली नदी के रास्ते से जो है बंगाल तक पहुंचता था। हुगली जो जगह है वो बंगाल में है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जानते हैं अलीवर्दी खान
जो है बंगाल का अंतिम शक्तिशाली शासक था जिसने यूरोपीय कंपनी पर नियंत्रण कर रखा था, मतलब अब उनको जो है काफी छूट नहीं दे रखी थी उसने, तो यूरोपीय कंपनी को अपने नियंत्रण में रखा था। अलीवर्दी खान ने कलकत्ता में स्थित अंग्रेजी कोठी जिसको फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता था और फ्रांसीसी कोठी जो कि चंद्रनगर जिसको कहा जाता था उसकी किलेबंदी का सफलतापूर्वक विरोध किया था। तो ये आपने याद रखना, ये शासक था जिसने विरोध किया था किलेबंदी का, जो इनकी बस्तियां थी या कोठियां थी, तो ये आपको ये पॉइंट याद रखना है। अलीवर्दी खान ने यूरोपीय कंपनियों के बारे में कहा था, देखो क्या कहा था, यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी, मतलब मधुमक्खियों से जो है यूरोपीय कंपनियों की तुलना की थी। तो ये आपको याद रखना है, ये कथन अलीवर्दी खान का है यूरोपीय कंपनी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अंग्रेजों ने बंगाल में राजनीतिक सत्ता जो है पहले प्लासी के युद्ध से और फिर बक्सर के युद्ध से हासिल की थी। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 को हुआ था और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। इस वीडियो में हम प्लासी के युद्ध से शुरुआत करते हैं। सिराजुद्दौला जो है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिराजुद्दौला जिसका शासनकाल 1756 से 57 तक था, सिराजुद्दौला के बारे में, इसके समय में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, इंपॉर्टेंट है। प्लासी जो जगह है वो बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना है प्लासी कहां पर स्थित है। प्लासी के युद्ध जो हुआ था वो 23 जून 1757, में पहले बता चुका हूं, ये जो युद्ध हुआ था ये नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है सिराजुद्दौला मार दिया गया था, उसको मारा गया था। तो प्लासी के युद्ध के कारण देख लेते हैं, प्लासी के युद्ध के कारण क्या क्या थे। सिराजुद्दौला के जो है तीन प्रतिद्वंदी थे गद्दी के लिए, कौन कौन थे जानते हैं। सबसे पहला था शौकत जंग जो कि इसका चचेरा भाई था, और घसीटी बेगम जो कि इसकी मौसी थी, और मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था। नेक्स्ट चलो जानते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये तीन तो प्रतिद्वंदी थे इसकी गद्दी के लिए जो इसके घर के थे या खास थे, और उसके बाद थे अंग्रेजों के द्वारा जो है नवाब के खिलाफ षड्यंत्र, ये भी था, और सिराजुद्दौला की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे थे अंग्रेज, ये भी इसके पीछे कारण था। और जो सबसे मेन कारण था वो था दस्तक, कि दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। तो यहां पर आपको ये कारण जो है याद रखने हैं, गद्दी के लिए प्रतिद्वंदी थे शौकत जंग, सिटी बेगम और मीर जाफर जो उसका सेनापति था, षड्यंत्र अंग्रेजों के द्वारा नवाब के खिलाफ, और कोठी की किलेबंदी और दस्तक। आप जानते हैं दस्तक के बारे में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दस्तक है क्या। तो मुगल काल में जो है शासक था फर्रुखसियर की मैं बात कर रहा हूं, जो कि 1717 के करीब जो है वो था। 1717 में उसने जो है अंग्रेजों को एक सीमा शुल्क मुक्त व्यापार का एक अधिकार पत्र जो है दिया था, जिसको दस्तक कहा जाता था, मतलब कंपनी को ऐसा पत्र जो है उसने दिया कि आप मुफ्त व्यापार कर सकते हैं। दिया तो गया था कंपनी को, लेकिन निजी कर्मचारी इसका दुरुपयोग कर रहे थे अपने निजी व्यापार के लिए, तो इससे जो है राजस्व में भारी नुकसान हो रहा था। तो ये था दस्तक, कि आपको याद रखना दस्तक इसका दुरुपयोग हो रहा था, तो सिराजुद्दौला को काफी राजस्व में नुकसान हो रहा था, तो इसीलिए उसने जो है उसका विरोध किया था। तो आइए आगे जानते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में, होता क्या है कि भाई प्लासी के एक साल युद्ध के एक साल पहले ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, काल कोठरी त्रासदी जिसको बोलते हैं, 21 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता स्थित अंग्रेजी कोठी जिसको फोर्ट विलियम कहा जाता था पर 20 जून 1756 को आक्रमण कर दिया तथा अधिकार कर लिया, और 146 कैदियों को जो है उसने एक घुटन युक्त कमरे में बंद कर दिया, जिसमें 21 जून 1756 की सुबह को जब देखा गया केवल 21 व्यक्ति ही जीवित थे, और इस घटना की जानकारी देने वाला अंग्रेज अधिकारी जो हॉलवेल नाम का अधिकारी था वो भी इस घटना में शामिल था, जिसने इस घटना की जानकारी दी थी, हॉलवेल याद रखना है। और ये जो त्रासदी हुई थी 21 जून 1756 को हुई थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इस घटना के बाद क्या होता है कि कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए अंग्रेजों ने मद्रास से लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान भेजा। जब क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया तो नवाब सिराजुद्दौला ने भयभीत होकर अपनी सुरक्षा के लिए 9 फरवरी 1756 को अलीनगर की संधि कर ली,
तो ये आपको याद रखना है, अलीनगर की संधि कब हुई, 9 फरवरी 1757 को। अलीनगर जो है ये कलकत्ता को सिराजुद्दौला के द्वारा दिया गया नाम था, तो ये आपको याद रखने हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कालकोठरी त्रासदी के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट चलिए जानते हैं, नेक्स्ट है इसके बाद जो है क्या होता है कि भी क्लाइव जो अंग्रेज अधिकारी था, उसने सोचा कि जब तक ये शासक है हमें चैन से बैठने नहीं देगा या व्यापार नहीं करने देगा, क्यों ना इसके बदले कोई मुखौटा शासक बिठा दिया जाए। और क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा जिसमें सिराजुद्दौला के तीन विरोधियों ने क्लाइव का साथ दिया। अब ये तीन विरोधी कौन कौन थे, चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले था मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, दूसरा था राय दुर्लभ जो कि बंगाल का दीवान था, और तीसरा था जगत सेठ जो कि बंगाल का एक व्यापारी था। तो इन तीनों ने जो है क्लाइव के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के तहत यह निर्णय लिया गया कि एक छद्म युद्ध लड़ा जाएगा या झूठ मूठ का एक युद्ध लड़ा जाएगा जिसमें मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा बंगाल का। इस तरह से जो है प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर मार दिया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के शासक। नेक्स्ट हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में, तो फिर मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।